हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.4 के बचे हुए क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था, तो 7, 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन कैसे होगा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ले लिया गया है, 7 था अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स, तो कोई भी एक्स वाई जेड में आपको मतलब एक्स में है तो इस एक्स को छोड़ के कोई एक फंक्शन यानी वाई में मान लिया गया है। अब पहला स्टेप यहां पे क्या लिखना होता है, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी में, एक्स के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पे, ठीक है। तो वाई है तो वाई डैश भी लिख सकते हैं या डी वाई ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वाई डैश का मतलब होता है डी वाई ऑफ डी एक्स, और ये हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, क्या होता है 1/2 √x, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वाई डैश इक्वल टू, ध्यान देंगे अभी अंडर रूट ये पूरे को रूट एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √x यानी 1/2 √x, तो एक्स की वैल्यू है ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे डी ऑफ डी एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, और आपको पता है अब ये रूट एक्स नहीं मानेंगे, ई टू द पावर एक्स मान के सॉल्व करेंगे, तो ये फिर आपका हो जाएगा वाई डैश इक्व टू 1/2 √ e^√x, और डी ऑफ डी एक्स ई टू द पावर एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और फिर डी ऑफ डी एक्स करना पड़ेगा आपको रूट एक्स का, ठीक है। तो जब फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनली इसे लिखेंगे वाई डैश इज इक्व टू 1/2 √ e^√x, और ये पहले से ही है आपका, पहले से ही है ई टू दी पावर एक्स, वन रहने देते हैं यहां, और फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 √x, ठीक है। तो आपको बताया गया होगा कि कोई दो टर्म रूट में होते हैं तो रूट का मल्टीप्लाई हम क्या कर लेते हैं, रूट में कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं बाबू y डैश या dy ऑफ dx e टू दी पावर रूट एक्स, ऊपर रहेगा e टू दी पावर रूट एक्स बाई 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4, रूट एक्स का रूट एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा x e टू दी पावर रूट एक्स। तो फाइनली आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ये दिया हुआ है वाई इक्व टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो फिर लिख लेंगे ऑन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। वाई है तो वाई डैश लिख लो या डी वाई ऑफ डी एक्स, कई बार ये बात बता चुका हूं तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वाई है तो डी वाई ऑफ डी एक्स लिखो चाहे वाई डैश लिखो, और डी ऑफ डी एक्स यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो देखो जब भी आप फेयर वगैरह बनाए तो वहां पे फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो लिखते रहे, डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स जो होता है, लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/x होता है, ठीक है। यही फार्मूला हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स का 1/x, तो ये फाइनली हो जाएगा वाई डैश इक्व टू लॉग ऑफ लॉग एक्स यानी एक्स की वैल्यू एक्स है तो 1/ नीचे हो जाएगा लॉग एक्स, फिर हम क्या करेंगे डी ऑफ डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का, जब तक फंक्शन समाप्त नहीं होता उसका डिफ्रेंसिएशन करते रहना है। y डैश इक्व टू लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, तो 1/ ये आपका लॉग एक्स है इंटू लॉग एक्स का 1/x हो गया। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हो बाबू y डैश इक्व टू 1/x log x। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का एक छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप समझ लेते हो तो अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड होता है, तो रिलेट कर करके कॉन्सेप्ट को मैथ में समझना जरूरी होता है, ठीक है। रटने से कोई चीज नहीं होती, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा, क्या है वो। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है वाई कॉस टू, इसे भी मान लेंगे कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, ठीक है। और यहां पे भी लिख देंगे ऑन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये नीचे लिख सकते हैं या साइड में भी लिख सकते हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। तो जब अंश बटे हर के फॉर्म में आता है तो ये वाई डैश इक्व टू होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा
हर को रोक के, ऊपर वाले कर्ण नीचे वाले को हर, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रोक के न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि हर को रोक के अंश का अवकलन माइनस अंश को रोक के हर का अवकलन, और बट्टे आपका क्या हो जाएगा, हर का होल स्क्वायर, यानी लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। हर को रोक के अंश का अवकलन माइनस अंश को रोक के हर का अवकलन बट्टे हर का स्क्वायर। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो लॉग, और ये कॉस एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स, माइनस को पहले लिख दिया गया, ठीक है, और माइनस कॉस एक्स, और यहां पे कॉस एक्स नहीं बल्कि क्या होगा, हर तो लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होगा, वन बाई एक्स, और बाई में आपका क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा, वाई डैश इज इक्वल टू, देखिए इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, और इसका गुणा इसमें होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स, यहां पे एक्स छूटा हुआ है, लॉग एक्स, और फिर आपका क्या है, साइन एक्स, और एक्स का जब गुणा करेंगे एक्स पहले आ जाएगा, तो माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाई में क्या होगा आपका एक्स, और पूरे का बट्टा आपका क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी को बाबू जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये एक्स कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, यानी फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो कॉमन, चूंकि कुछ हो नहीं रहा है तो ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस एक्स लॉग एक्स और फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और माइनस का आपका क्या हो गया, कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपके 9 का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। वही फार्मूला यूज हुआ है, अंश को रोक के हर का अवकलन माइनस अंश, यहाँ हर को रोक के अंश का अवकलन माइनस अंश को रोक के हर का अवकलन बट्टे हर का स्क्वायर। तो कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस पहले लिख लिए हैं, लॉग एक्स का वन बाई एक्स। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स यहाँ आ जाएगा, माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, और एक्स नीचे आ गया, तो फाइनली आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। तो यहां पे लिख लेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, y, तो y है तो dy ऑफ dx या y डैश लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, d ऑफ dx कॉस ऑफ लॉग x प्लस ई टू द पावर x। तो आप चाहे तो मैं कई बार बोल चुका हूं फार्मूला जो जो हर एक स्टेप में यूज करते हैं वो लिख सकते हैं, डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो जब यूज करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये हो गया साइन, और फिर क्या होगा, लॉग एक्स प्लस e टू दी पावर x, और फिर d ऑफ dx क्या होगा, d ऑफ dx आपका हो जाएगा log x प्लस e टू दी पावर x, यानी अभी cos x पूरे को माना गया है तो माइनस साइन और ये क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं, dy वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन और ये हो गया log x प्लस e टू दी पावर x। अब d ऑफ dx दोनों का करेंगे, log x का होता है 1 बाई एक्स और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। तो फाइनली इतना इजी था आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।